गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th द स्पेक्ट्रम जनरल इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ये एक पोयम है इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर जो प्रार्थना के रूप में लिखी है। इसका जो लिखने वाले हैं एनोनिमस अज्ञात है। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सबसे पहले बॉक्स में जो कुछ बात है पहले उसको देखते हैं। वट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावकारी ढंग से बोलना, और टू लिसन अटेंटिवली या सावधान होकर सुनना। हम शुड बी लिसन टू, हमें किसको सुनना चाहिए? हाउ, कैसे सुनना चाहिए? ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे हमारा चैप्टर, उसके बाद ये आंसर देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। किनको सुनना सिखाइए? टू दोज नियरेस्ट मी, उनको सुनना सिखाइए जो मेरे पास हैं, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले। हेल्प मी टू अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर, हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए जागरूक बनने में कि जो शब्द या जो वर्ड्स मैं सुनूं, ठीक है ना, जो कुछ भी मैं सुनूं, द मैसेज इज, उसका जो संदेश हो, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, कि मैं जैसा हूं ऐसा लोगों को स्वीकार करूं और मुझे सुनो, है ना, उन सब से मुझे एक ही मिले कि मेरे साथ आसपास जो लोग हैं कि उनको मैं स्वीकार करूं और जैसे वो हों उन्हें एक्सेप्ट करूं। सेकंड सेंटेंस कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। किनको सुनना सिखाइए? टू दोज फार फ्रॉम मी, उन लोगों को जो मुझसे दूर हैं, द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस का मतलब होता है निराश लोग, निराश लोगों की जो फुसफुसाहट है उनको सुन सकूं, उनको सुनना सिखाइए। फॉरगटन ऑफ द प्ली ऑफ द फॉरगटन, भूले बिसरे लोगों की जो तर्क हैं, जो दलीलें हैं उनको सुनना सिखाइए। द क्राई ऑफ द एंगाइस्ड, दुखी लोगों के जो बिलाप है, जो उनका रोना है उसको सुनना सिखाइए, हे ईश्वर। थर्ड स्टेंजा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। किसको? टू माई सेल्फ, कि मैं खुद को सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे कम से कम भयभीत होने में मेरी मदद कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और मेरे अंदर की डीपेस्ट पार्ट, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, अंदर की जो आवाज़ है उस पे विश्वास करना सिखाइए। ठीक है, लास्ट स्टेंजा कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। इन बिजनेस, व्यस्तता में, एंड इन बॉर्डम, ठीक है ना, और उबासी, थकेपन में, इन सर्टेनली एंड इन डाउट, निश्चितता में, जब कोई बात निश्चित हो, या शक में, या किसी संदेह के घेरे में, तब भी मैं आपको सुन सकूं। इन नॉइस, कोलाहलपूर्ण वातावरण में हो, या एंड इन साइलेंस, या शांति के वातावरण में हो, मैं आपको सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे ऐसा सुनना सिखा दीजिए। ये थी आपकी पोयम जिसमें जो एनोनिम्स है, अज्ञात हैं, उन्हें लिखा है। आगे देखते हैं हम लोग अबाउट द पोयम, कि इस पोयम को क्यों और क्या है इस पोयम में। तो शुरू करते हैं, वी नो, हम जानते हैं द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, कि सुनने और ध्यानपूर्वक सुनने में, हियर मतलब सुन लेना, लिसनिंग ध्यानपूर्वक सुनना में क्या अंतर होता है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ये माना गया है दैट की लिसनिंग इज अ स्किल, जो सुनना है वो एक प्रकार का कौशल है, दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, जिसे समर्पण और अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया या अर्जित किया जाता है।
इट इज सेड दैट, ऐसा भी कहा जाता है कि गुड पर्सन इज इनवेरेबली अ गुड लिसनर, कि एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा श्रोता होता है। द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, ये जो कविता है वो एक प्रेयर के रूप में है। टेल अस टू बी गुड लिसनर, जो एक हमें अच्छा लिसनर श्रोता बनने के लिए कहती है। वी शुड बिगिन बाई लिसनिंग, हम लोग सुनकर ही शुरुआत कर, वी शुड बिगिन बाई लिसनिंग, हमें सुन के शुरुआत करनी चाहिए। टू दोज हु आर द नियरेस्ट, जो हमारे पास हैं उनको सुनकर। वी मे फाइंड आउट दैट, हम लोग पाएंगे कि ऑल दो यद्यपि दे डू नॉट स्पीक इन अ लाउड, वो जोर से नहीं कहते, इट तब भी दे ऑल वॉन्ट अवर अटेंशन एंड रिकग्निशन, तब भी वो हमारा ध्यान पाना चाह और हमारी जो अटेंशन है ठीक है ना, पहचान पाना चाहते हैं। द पोयम टेल्स अस टू हीड द वॉइस, जो कवि है और जो कविता है वो उस आवाज़ पे ध्यान देने के लिए कहती है। विच मे नॉट बी विद इन अवर आई शॉट और ईयर शॉट, जो हमारी श्रवण सीमा के अंदर नहीं है। दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल, ये उन लोगों की आवाज़ है। हु आर ऑप्रेस्ड, जो दुखी हैं। हु आर सफरिंग, जो पीड़ित हैं। एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वो, और जो हमसे अपने दुखों को नहीं बता सकते हैं। वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्ली, हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनके तर्कों को सुनना चाहिए। कंसाइंस इज द इनर वॉइस, जो अंतर्ज्ञान है वो हमारी एक भीतरी आवाज़ है। दैट वॉर्न अस अगेंस्ट द सिनफुल डीड, जो पाप युक्त कर्मों के प्रति हमें वॉन्स सचेत करती है। इट डिस्टिंग गाइस बिटवीन वाट इज राइट एंड वाट इज रॉन्ग, ये सही और गलत के बीच अंतर करती है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जो हम गलत करते हैं। बी द सुप्रीस सॉरी वी सप्रेस दिस वॉइस, वी शुड इंस्टीट ट्रस्ट इन द वी शुड इंस्टीट ट्रस्ट इट एंड लिसन इट टू, जब हम गलत करते हैं। वी सप्रेस दिस वॉइस, और इस आवाज़ को क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। वी शुड इंस्टीट ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, ठीक है ना। तो कवि कहता है कि हमें इस इसके बजाय या बजाय इसके हमें इस आवाज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए। फाइनली अंततः द पोएट वॉन्ट अस टू लिसन टू गॉड वॉइस, जो कवि है वो चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज़ को सुनें। विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम्स, जो हमें हर जगह और हर समय हमारा मार्गदर्शन करती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इसके जो वर्ड पावर और कंपैरिजन एक्सरसाइज हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे।